जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी? तो दोस्तों, आज है 10 अप्रैल और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आज चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट ओपन होने वाला था, लेकिन आप सभी में से बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं और इंस्टा पर पूछ भी रहे हैं क्या चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया या नहीं। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन से जुड़े आज का क्या अपडेट है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो कृपया आप सभी वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही चार धाम यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन से जुड़े जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि अभी तक, आज 10 अप्रैल को, अभी तक रजिस्ट्रेशन जो है वो चार धाम यात्रा के लिए शुरू नहीं हो पाया है। और जब मैंने उत्तराखंड टूरिज्म से बात किया तो उन्होंने बताया है कि जो वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, इसलिए फिलहाल रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं किया गया है और आप सभी को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब मैंने पूछा कि आखिर कोई एक कंफर्म डेट आप बता दीजिए कि कब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं, तो वो कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिए और वे यही बोले हैं कि आपको अगर लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो दोबारा आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, अन्यथा आप वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा, लेकिन कुछ भी कन्फर्म डेट वो नहीं बता पाए हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी को रजिस्ट्रेशन के लिए फ़िलहाल थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। अभी चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हो पाया है और आप में से बहुत सारे यात्री जो परेशान हैं वे बिल्कुल भी परेशान ना होइए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो टेंशन है वो गवर्नमेंट का है। हम लोगों को सिर्फ चार धाम यात्रा या केदारनाथ यात्रा पर जाना है। अगर गवर्नमेंट ने वेबसाइट ओपन नहीं किया तो भी हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और अगर वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो हम लोग यात्रा पर जाने से पहले भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अन्यथा वहां पर पहुंचकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। इसलिए आप सभी रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई भी चिंता मत करिए। रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, अगर कपाट खुलेगा तो यात्री लोग चार धाम यात्रा पे अवश्य जाएंगे। इसलिए आप सभी रजिस्ट्रेशन को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर रजिस्ट्रेशन से जुड़े कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले अपने इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बहन दोस्तों, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे क्या केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू हो गई या नहीं। तो आप सभी को बता दूं, केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप सभी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। और आप सभी IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग करें, किसी भी एजेंट वगैरह के चक्कर में ना फंसे, अन्यथा आपका पैसा बिल्कुल ही डूब जाएगा और कोई भी आपको टिकट नहीं मिलेगा। और दोस्तों, आप में से जो भी श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना जानते हैं, किसी को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पर रजिस्ट्रेशन लिखकर सेंड करिए, आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा एक उचित शुल्क लेकर। इसलिए आप सभी अगर घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही चार धाम यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय श्री केदार, हर हर महादेव।